आप सबको जय मसीह की। आप लोगों का प्रेम के लिए हम धन्यवादी हूँ। अभी तक आप लोग ने मेरा ऑडियो और वीडियो दोनों को पसंद किए और लाइक शेयर और कमेंट कर रहे हैं। जब हम आप लोगों का कमेंट को देखते हैं तो हमको और उत्साहित हम हो जाते हैं। लेकिन जो भी हो, आप लोगों का प्रेम के लिए मैं धन्यवादी हूँ। और आज का दिन हम कहने चाहता हूँ, होशियार या खबरदार। मेरा आज का शीर्षक है होशियार। बाइबल कहता है कि सभी बातें मिलकर भलाई को ही उत्पन्न करती है। कोई हमें पूछ रहा था, एक बीमार आदमी जो बेड पर पड़ा हुआ है, भला कैसे उसके जीवन में भलाई होगा। वो पूछ रहा था, बीमार हुआ आदमी के जीवन से कैसे भलाई को उत्पन्न होता है पास्टर जी। हमने उसको उस समय तो सहज उत्तर दिए, वो चंगा पाके, चंगा होके भलाई उत्पन्न होगा। मेरे प्रियो, हम इतना ज्यादा भाग दौड़ का जीवन जी रहे थे, हमें परिवार के साथ एक साथ रहने और एक साथ बैठने और खाने का समय भी हम लोग के पास नहीं था। लेकिन इस कोविड 19 ने हमें यह मौका दे दिया। ये कोविड 19 के कारण हम लॉकडाउन में परिवार के साथ समय बिता पा रहे हैं। बाइबल कहती है ना, मत्ती के पुस्तक 6 अध्याय में, मत्ती की पुस्तक 6वां अध्याय जब हम 25 से 27 तक देखेंगे तो वहां ऐसा लिखा हुआ है, सुनिएगा। इसलिए मैं तुमसे कहता हूं कि अपने प्राण के लिए यह चिंता न करना कि हम क्या खाएंगे और क्या पियेंगे, और न अपने शरीर के लिए कि क्या पहनेंगे। क्या प्राण भोजन से और शरीर वस्त्र से बढ़कर नहीं? आकाश के पक्षियों को देखो, वे न बोते हैं न काटते हैं और न खत्तों में बटोरते हैं, फिर भी तुम्हारा स्वर्गीय पिता उनको खिलाता है। क्या तुम उनसे अधिक मूल्य नहीं रखते? तुम में कौन है जो चिंता करके अपने आयु में एक घड़ी भी बढ़ा सकता है? और वस्त्र के लिए क्यों चिंता करते हो? जंगली शोषण पर ध्यान करो कि वे कैसे बढ़ते हैं। वे न तो परिश्रम करते हैं न काटते हैं, तो भी मैं तुमसे कहता हूं कि सुलेमान भी अपने सारे वैभव में उनमें से किसी के समान वस्त्र पहने हुए न था। इसलिए जब परमेश्वर मैदान की घास को, जो आज है और कल भाण में झोंकी जाएगी, ऐसे वस्त्र पहना था, तो ए अल्प विश्वासियों, तुमको वह इतने बढ़कर क्यों ना पहनाएगा। हालेलुया। परमेश्वर का वचन पढ़ा और सुनाई प्रति प्रभु आप पर मुझे आशीष दे। यहां परमेश्वर का वचन बोलता है, अपने प्राण के लिए यह चिंता ना करना कि हम क्या खाएंगे, और शरीर के लिए यह चिंता ना करना कि क्या पहनेंगे। मेरे प्रियो, यदि आप और मैं क्या खाएंगे या क्या पहनेंगे या क्या पहनेंगे बोल के हम लोग चिंता करते थे, तब तो हम लोग घर में परिवार के साथ बैठ नहीं पाते थे। दूर परदेश में हम लोग चले गए कमाने के लिए, काम में, धंधा में हम लोग व्यस्तता में रहे, क्योंकि हम लोग को चिंता था। हम लोग का शरीर के लिए पहनने के लिए चिंता था, प्राण के लिए, भोजन के लिए। इसीलिए यहां वचन कहता है कि क्या प्राण भोजन से और शरीर वस्त्र से बढ़कर नहीं। विश्वासी लोग इस वचन को नहीं समझ पा रहे थे मेरे प्रियो, लेकिन कोरोना ने हमें इस वचन को समझने में मदद किया है। जबकि हमने सोचा ही नहीं था हमारा जीवन में ऐसा होगा। अचानक लॉकडाउन शुरू हो गया, 1 सप्ताह, 2 सप्ताह, 1 महीना लोग आशा धरते रहे, लेकिन जब आशा निराशा में जाता हुआ देखकर लोग परदेश से अपना अपना जगह में लौटने लगे। आपको मालूम है कितनों तो रास्ता में दम तोड़ बैठे, कितने गंतव्य जगह पहुंच चुके हैं। क्यों? क्योंकि ये एक चिंता था, शरीर के लिए क्या पहनेंगे और प्राण के लिए क्या खाएंगे, वही चिंता हम लोग को लेके गया था। कल के लिए अपना बेटा और बेटियों का पढ़ाई लिखाई और शादी विवाह के लिए संचय करना था, इसलिए तो घर छोड़ के परदेश में गए थे। अभी के लिए
लेकिन वही लोग जो कल के लिए चिंता करते थे, संचय करते थे, लेकिन अभी के लिए तड़प रहे हैं। हाँ, कोरोना ने हमें ऐसा ही बना दिया मेरे प्रियो। तब तो हमें याद हुआ प्राण भोजन से और शरीर वस्त्र से उत्तम है। हालेलुया। कल तक हम लोग लग्जरी जीवन जीने वाले लोग, आज कोरोना ने यह हालत कर दिया कि लोग कोई देते तो हम खाएंगे। इसलिए तो 6 अध्याय मती 25 से पूरा 34 तक पढ़ेंगे तो हम लोग को वही याद होता। इसलिए हमें होशियारी के साथ जीवन जीना होगा मेरे प्रियो। इसलिए हमने बोले होशियार। आज जुलाई 17 तारीख, आज तक में भारत में 10 लाख कोरोना मरीज पार हो चुके हैं। हम फिर भी कहते हैं आपको, पहला वीडियो में कहते हैं, फिर भी कह रहे हैं, सरकार के द्वारा दिया गया नियमों को हम पालन करें। प्रभु के हैं बोलते हुए लापरवाही का जीवन ना जिए। एक विश्वासी होने के कारण हमें परमेश्वर से प्रार्थना भी करते रहना होगा। यह आपद परमेश्वर से छिपा हुआ नहीं है मेरे प्रियो। एक लीडर होने के कारण आपसे मैं यह कहता हूं, खबरदार, आपका संबंध प्रभु के साथ कैसा है। इस लॉकडाउन का समय में आप प्रार्थना और वचन पढ़ाई में आगे बढ़े। इस कोरोना से हमें डरना नहीं है, लेकिन इससे लड़ना है मेरे प्रियो, क्योंकि कोरोना से बड़ा था हमारा परमेश्वर है। याद कीजिएगा, आज मुझे आपको यह कहते हुए एक कहानी को याद हुआ, एक बेटा और बाप का वार्तालाप को। बेटा कहता है पापा को, पापा इतना छोटा एरोप्लेन, हवाई जहाज में लोग कैसे बैठेंगे। पापा बोलता, बेटा वो बड़ा है, दूर से छोटा दिखाई दे रहा है। तो भी बेटा बोलता, पापा हमको देखने का मन हुआ। मेरे प्रियो, एक दिन पापा बेटा को लेके एयरपोर्ट चला जाता है प्लेन को दिखाने के लिए। जब बेटा को मालूम चला प्लेन तो बहुत बड़ा है, तब पापा ने कहा, दूर से देखने से ना बेटा प्लेन छोटा दिखाई देता, लेकिन नजीक में देखने से वो बड़ा है। तब फिर बोलता बेटा, पापा हमारा परमेश्वर ने, तब पापा बोलता, बेटा परमेश्वर भी दूर से छोटा होता है। जब हम उसके साथ नजीक संबंध बनाएंगे, आराधना उपासना के साथ उसके साथ हम लोग समय बिताएंगे और परमेश्वर को अपना जीवन का मालिक और उद्धारकर्ता मान लेंगे, तब हम लोग को मालूम चलता है कि परमेश्वर बहुत बड़ा है, कोरोना से भी बड़ा है। हालेलुया। मेरे प्रियो, आपको मालूम है, दूर से देखने से प्लेन छोटा दिखाई दिया, लेकिन नजीक जाने से वो लड़का को प्लेन तो बहुत बड़ा। वैसे ही कितनों बार हम लोगों का सुना हुआ बातों में, चर्च का आराधना में जाने के कारण परमेश्वर हमारे लिए भी छोटा जैसा लगता है, लेकिन जब परमेश्वर के नजीक जाएंगे, परमेश्वर के साथ समय बिताएंगे, तब तो हम लोग को मालूम चलता कि परमेश्वर भी तो बहुत बड़ा है। आइए, पहला कुरंथियों का पुस्तक 14 अध्याय 21वां पद क्या कहता है। पहला कुरंथियों 14 अध्याय 21वां पद यहां सुनिएगा। पहला कुरंथियों की पुस्तक 14:21 यहां ऐसा कहता है, सुनिएगा, हम पढ़ रहे हैं। व्यवस्था में लिखा है कि प्रभु कहता है, मैं अपरिचित भाषा बोलने वालों के द्वारा और पराए मुख के द्वारा इन लोगों से बातें करूंगा तो भी वे मेरी न सुनेंगे। हालेलुया। मेरे प्रियो, आप पर मुझे एक बात को याद करना होगा, परमेश्वर चाहे कोई भी भाषा में बातचीत करे, चाहे कोरोना काल में हो, चाहे कोई भी हो, क्योंकि शुरू में हमने बोले उसकी इच्छा का बिना पीपल का पेड़ का पत्ती भी नहीं हिलचा, इसका मतलब ये कोरोना काल भी उससे छिपा हुआ नहीं है। परमेश्वर आप पर मेरे साथ कोई बातचीत करने चाहता है, लेकिन एक बात याद कीजिए, एफिसियों की पुस्तक 5वां अध्याय, यदि आप एफिसियों की पुस्तक 5वां अध्याय देखेंगे 15 और 16 पद, सुने हम पढ़ रहे हैं, 14 से पढ़ेंगे। इस कारण वह कहता है, हे सोने वाले जागो और मुर्दों में से जी उठ, तो मसीहा की ज्योति तुझ पर चमकेगी। इसलिए ध्यान से देखो कि कैसी चाल चलते हो, निर्बुद्धियों के समान नहीं पर बुद्धिमानों के समान चलो। अवसर को बहुमूल्य समझो, क्योंकि इन दिन बुरे हैं।
इस कारण निर्बुद्धि न हो पर ध्यान से समझो कि प्रभु की इच्छा क्या है। हालेलुया। मेरे प्रियो, यहां प्रभु कहता है सोने वाले जागो। आज तक आप और हम मंडली जा रहे थे, कल तक आराधना कर रहे थे, बच्चन सप्ताह में एक दिन पादरी साहब का मुख से सुन रहे थे, एक दिन बच्चन लेके जाते थे, लेकिन आज लॉकडाउन ऐसा कर दिया आप और मुझे डेली परमेश्वर के साथ संगति करने का मौका मिल रहा है। मेरे प्रिय, इसलिए यहां बोलता जागो, हे मुर्दे जी उठो। इसका मतलब मरा हुआ कब्रिस्तान पड़ा हुआ लोगों को नहीं कह रहे, जिंदा जिंदा मरा हुआ समान हम लोग थे, परमेश्वर का प्रेम हम लोग को समझ नहीं पा रहे थे, हम लोगों को प्रभु बोल रहा है जाग उठो। देखिए तो 14-15 पद में क्या बोलता, ध्यान से देखो, सावधान रहो, खबरदार कि कैसे चाल चलते हो। हालेलुया। खबरदारी करना होगा, कैसे चाल चल रहे हैं हम लोग, ध्यान देना होगा। इस समय कैसे हम लोग बिता रहे हैं, ध्यान देना होगा। निर्बुद्धि के समान नहीं पर बुद्धिमान के समान चलो, बोलता मेरे प्रियो, समय बहुमूल्य है, निर्बुद्धि का जैसा समय को व्यतीत नहीं करना है। इसलिए 16 पद बोलता अवसर को बहुमूल्य समझो क्योंकि दिन बुरे हैं। हालेलुया। मेरे प्रियो, आज लॉकडाउन हो या COVID-19 का कारण हम लोग घर के अंदर में बंद में है, इस अवसर को बहुमूल्य समझना होगा, आप और मुझे ध्यान देना होगा, हम अपना मसीह परिचय लोगों के बीच में कैसे दे रहे हैं। क्या आप समझ पाते हैं ये बात को? इसलिए तब परमेश्वर का वचन बोलता खबरदार कैसे चाल चलते हो, अवसर को बहुमूल्य समझो क्योंकि दिन बुरे हैं। मेरे प्रियो, कब तक हम लोग पृथ्वी में खड़े रहे हम लोग नहीं जानते, कब प्रभु का आगमन होगा हम लोग यह बात भी नहीं जानते, क्यों ये सारा चीज हुआ ये भी हम लोग नहीं जानते, लेकिन एक चीज हम लोग जरूर जानते हैं, दिन बुरे हैं, अवसर हम लोग को मिला है, अभी परमेश्वर के साथ समय बिताना होगा। हालेलुया। मेरे प्रियो, मैं आपको यही बोलते हुए उत्साहित करने चाहता हूं, इफिसियों के पुस्तक 5:14-15-16-17 तक, अवसर को बहुमूल्य समझें, दिन बुरे हैं, समय को पालन करें और प्रभु के साथ समय बिताएं। प्रभु आपको आशीष करे, अनुग्रह करे और महिमा मिले। सभी बात में धन्यवाद प्रभु की। जय मसीह।